तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसमिस भैया जी शो। कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। आज हम लोगों का सामने एक ट्रेडिशनल है जो बेम्बो राइस खाते हैं, जो अच्छा लगता है खाने में। जो आप लोगों को वो दिखाएंगे कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको बेम्बो राइस। देखते रहिए आप लोग, हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं बेम्बो राइस। बहुत फेमस है आसाम में, जो इस चीज़ के लिए हम लोग को एक बेम्बो चाहिए। उसका नाम है आसामीस में खप्लांग बा, और राइस चाहिए मतलब चावल, चावल चाहिए। चावल के लिए वो उसका नाम है बड़ा चावल। जो हम लोग अभी बड़ा चावल और खपलांग बा मतलब बेम्बो राइस बनाएंगे। आप लोग देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आसामीज भैया जी को, और आगे बढ़ाइए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ाएगा और मोटिवेशन मिलेगा। देखते रहिए आप लोग कैसे बनाते हैं हम लोग ये चीज़। देखिए, तो बेम्बो राइस के लिए जो चाहने वाला सामान है उसको बोल दिया है क्या क्या चीज़ चाहिए, सामान चाहिए। अभी इसको कैसे रखते हैं उसका तरीका बताते हैं आप लोगों को। ये है बेम्बो, इसको काट के रखा है। इसको पूरा रात भर इसमें चावल, इधर चावल भरा के पूरा रात भर पानी डाल के चावल को कोमल होने के लिए रखते हैं, नरम होने के लिए रखते हैं। उसके बाद सुबह, अगले दिन सुबह उसको पूरा आग में जला के खाएंगे, खाते हैं और खाएंगे हम लोग अभी। देखिए आप लोग, देखते रहिए। उसके लिए हम लोग पहले आग जला लेते हैं। तो हम लोग अभी आग जलाएंगे सबसे पहले। मैंने आग जला दिया, अभी अभी आग जलाने का काम हो गया है। उसके बाद एक थोड़ा कम रह गया, उसको कर लेता हूँ। तो कैसा लगा है आप लोगों को देख के? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी हम लोग आग लगाने का काम, हम लोगों का आग लगाने का काम चालू हो गया है। अभी धीरे धीरे चावल उबल रहा है। ऐसे ही उबलते हैं बेम्बो में, इसको उबाल के जब तक खाने का लायक नहीं हो जाता है तब तक इसको उबलना दीजिए। तो उबलने के बाद आप लोग खा सकते हैं इसको। हम लोग अभी उबलने देते हैं, आग लगाने का काम करके रखा हूँ। अभी इसको थोड़ा आग और बड़ा करना पड़ेगा, तभी जल्दी जल्दी होगा। देखते रहिए आप लोग, तब तक के लिए मैं आग जला देता हूँ। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। तो इसका उबलने का तरीका आप लोग को ये नहीं हुआ है, तो ये पूरा उबल रहा है, इसे उबलते हैं। दिखाई नहीं देगा। ये हो गया है,
ये खाने का लायक हो गया है। हाँ ये खाने का लायक हो गया है, सो बाहर रख दिया है। अभी देखते रहिए, खाने के टाइम में आप लोगों को फिर दिखाएंगे। अभी ये जितना है ये उबाल लेता हूँ, इसको पका लेता हूँ। इससे भी बड़ा मिलता है बेम्बो, लेकिन बड़ा वाला मुझे खाने में दिक्कत होता है, देखकर ही उल्टी आते हैं। सो छोटा छोटा ले लिया हूँ। इसको आसामीस में इसको सूंगा बोलता है, जो अच्छा लगे तो आइए आप लोग भी खाइए, बना के खाइए। अभी के लिए हम लोग खाएंगे सिर्फ, जो देखते रहिए। तो इसको कैसे खाते हैं आप लोगों को दिखाते हूँ। अभी इसको ऐसे एक लेकर हम लोग इसको सिरेंगे। पूरा तैयारियाँ हो गया है, सब्जी ले लिया हूँ। अभी इसको सीर के अभी खाएंगे। वाह क्या अच्छा लग रहा है। दिखाऊं आप लोगों को, ये देखेंगे अच्छे अच्छी। Oh my God! सरप्राइज, बहुत ही अच्छा हुआ है। इतना अच्छा हुआ सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा हो गया। देखिए ओ माय गॉड, ओ वाह क्या अच्छा है ना, दिखने में ही अच्छा लगता है। वाह गॉड, हो गया इसे लगा के। तो अभी चालू करते हैं इसको खाने के लिए। सो ये है मीट, ये है मीट और ये है दाल। सो दाल और मीट दोनों मिक्स करके खाएंगे। Amazing. पूरा खाने का चीज हो गया, अभी पूरा दबा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आइए मेरे साथ बेम्बो राइस खाने के लिए।
इसको खाने का मजा ही अलग है। तो मैं अभी खा लेता हूँ, आप लोग भी खाइए, खाने का टाइम हो गया है। जो असमिस भैया जी को प्यार और सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं अभी खा लेता हूँ, तब तक के लिए आज के लिए गुड बाय।